जय श्री कृष्णा। मैं गगन यादव और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूं एक ऐसे खिलाड़ी से जो भविष्य में इस देश का नाम जरूर रोशन करेगा, ऐसी हमें उम्मीद है, ऐसी इनके कोच को उम्मीद है। जैसा कि आपने देखा कि नीरज भाई ने इस देश का नाम रोशन किया, हमें भी उम्मीद है कि भविष्य में चलकर एथलेटिक्स में स्पोर्ट सेम नहीं है। नीरज भाई का जैवलिन थ्रो था, सौरभ यादव का एथलेटिक्स है, तो मैं पूरी उम्मीद के साथ ये चीज कह सकता हूं, अब तक की उम्मीदों के साथ जो मैं देख रहा हूं, जो डेडिकेशन डिटर्मिनेशन डिसिप्लिन में देख रहा हूं, उसके दम पर मैं ये कह सकता हूं कि भविष्य में सौरभ जरूर नाम रोशन करेगा, इस देश का नाम रोशन करेगा, समाज का नाम रोशन करेगा। यही सब चीजें देखने के बाद दरअसल हमें सूचना मिली इन्हीं के कोच द्वारा कि मेनपुरी में प्रैक्टिस करते वक्त सौरभ पर उनकी नजर पड़ी और इनकी प्रतिभा और इनके कौशल को देखकर उन्होंने इस विचार किया कि क्यों ना ऐसे खिलाड़ी को मेरठ लाया जाए और यहां पर ही उसकी ट्रेनिंग करवाई जाए। तो उसके लिए मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा विचार बनाया और सौरभ यादव को वो मेरठ लेके आए और अपने अंडर ट्रेनिंग करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैंने सोचा कि मैं क्या हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं होता कि हमेशा वीडियो बनानी है, हमारी हमेशा कोशिश ये रहती है कि हम अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट करें। तो मैंने अपनी तरफ से सौरभ भाई को ये स्पाइक के शूज दिए हैं, जो स्पाइक्स होते हैं बेसिकली आपके जो स्प्रिंटर्स होते हैं उनके, आपने देखे होंगे नीचे नोकीले नेल्स होते हैं उनमें, तो वो स्प्रिंटर्स के जो शूज होते हैं वो मैंने अपनी तरफ से स्पॉन्सर किए हैं। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि भविष्य में किसी भी प्रकार की अगर सहायता चाहिए हो सौरभ यादव को, ना सिर्फ मेरठ में बल्कि भारत में कहीं भी, लेकिन सिर्फ खेल में, ऐसा नहीं कि हम बाकी प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट करेंगे, क्योंकि खिलाड़ी है तो खिलाड़ी के ही रूप में जो भी सहायता चाहिए होगी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। और मैं चाहता हूं कि जो हमारे साथ विपिन यादव जी बैठे हैं, आकाश यादव जी बैठे हैं, सोनू भाई जी बैठे हैं, ये भी अपने इस खिलाड़ी के बारे में कुछ कहें। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कोच साहब का, सबसे पहले कि उन्होंने इस प्रतिभा को देखते हुए और ये स्पॉन्सर किया और ये उनको एटा मैनपुरी से मेरठ लाए और अपने अंडर कोचिंग दे रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गगन भैया को जिन्होंने इस वीडियो के माध्यम से सभी को ये बताया भी। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी तरफ से सौरभ यादव को एक अच्छी भेंट दी जिसकी उसे बहुत जरूरत है। आने वाले 6 से 7 महीनों के लिए मैं और बड़े भैया विपिन यादव जी हम इसकी डाइट का जो भी खर्चा होगा हम उसको वहन करेंगे। और हमारे सोनू भैया अपनी तरफ से ट्रैक सूट भी दिया है इन्होंने, और जो एक खिलाड़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम आपसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे जिस किसी से भी जितना हो सके वो जरूर सहयोग करें। बाकी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि एक छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन भी एक बड़ा चेंज लेकर आता है। तो ये मत सोचिए आपकी आपको स्पाइक देने, आपको डाइट अफोर्ड करनी है, आपको स्पोर्ट अटायर स्पॉन्सर करना है, ड्रेसेस स्पॉन्सर करनी है, आपसे जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन बनता हो, डजंट मैटर कि आप 1000 कर रहे हो, 10,000 कर रहे हो, अगर आपसे 100 रुपए भी बनता है, 50 रुपए भी अगर आपसे बनते हैं तो दुआओं के साथ सौरभ यादव को दें। और ये कोई देखिए, इसे ये मत समझना कि हम खिलाड़ी को सक्षम बनाने में कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल बन रहे हैं। कहीं बहुत लोगों को लगता है कि अगर आप खिलाड़ी को स्पॉन्सर करते रहोगे तो उसकी जो प्रतिभा है वो कम हो जाएगी। तो हमने बहुत विचार करने के बाद ये सोचा कि जो जरूरत की चीजें हैं वो दिलवाई जाएं, वो मुहैया करवाई जाए, प्रोवाइड करवाई जाए, और भविष्य में कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो उसका भी हम बखूबी ध्यान रखेंगे। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, जैसा कि आपको बताया हमने कि फाइनेंशियली थोड़ा सा वो बात नहीं है फैमिली की, मैं गरीब वर्ड कभी यूज नहीं करता क्योंकि नोबडी इज पुअर, और हमारे होते हुए हमारे भाई कभी पुअर हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम अपने समाज को उभारें। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन आप कर पाए अगले से, जिससे खिलाड़ी अगले 3 से 4 महीने अफोर्ड कर पाए तो जरूर कंट्रीब्यूट करें। बाकी मैं चाहता हूं और हमें विपिन यादव जी बताएं, हमें पूरा विश्वास है कि ये अपने समाज का और अपने देश का नाम जरूर रोशन करेंगे और एथलीट्स में
एक गोल्ड मेडल जो एक भारत के लिए बहुत जरूरी होता है किसी भी खेल के लिए, वो दिलाएंगे। मैं यही आशा करता हूँ जितने भी अपने नौजवान हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो मोटिवेट हों और अपने समाज को अपने देश के प्रति एक अच्छा योगदान दें, मेहनत करें, पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें, किसी गलत विचारधारा का शिकार ना बने। मैं यही मैसेज सभी को देना चाहता हूँ, पढ़ लिख के अपने देश का और अपने समाज का नाम रोशन करें। And being a fitness coach and health consultant, मैंने खुद OK Tested की stamp लगा दी है, तो आप लोग बिल्कुल support कर सकते हैं बिना हिचकिचाहट के। और मैं description पर number mention कर दूंगा जिसमें आपको online transaction करनी है, तो please come forward and support सौरभ यादव। और support सिर्फ financial support नहीं, मैं चाहता हूँ कि future में भी जब तक हमारा भाई खेल रहा है तब तक support अपना बनाए रखना है और अपना प्यार देते रहना है। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।